नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला सिंह ने सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ लेकर पदभार ग्रहण किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में जो ही उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई, पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शपथ लेने के बाद अध्यक्ष ने जिला पंचायत सदस्यों से कहा कि हम सब लोग मिलकर जिले का सर्वांगीण विकास करेंगे। सदस्यों व जनता के सहयोग से 5 साल के कार्यकाल में ग्रामीण विकास को ऊंचाई तक ले जाऊंगी। किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हो सीधे मुझे अवगत कराएं। संकल्प जताया कि जौनपुर को मॉडल जिला बनाऊंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। संविधान की मंशा के अनुरूप गांवों का विकास होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि यह नया सदन नई ऊर्जा के साथ अपने 5 साल विकास की नई परिभाषा गढ़ेगा। जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में मैं पूरा सहयोग करते हुए और एक दूसरे से समन्वय बनाते हुए विकास कार्य करेंगे। मड़ियाहूं विधायक डॉक्टर लीना तिवारी ने कहा कि महिला अध्यक्ष बनने से पूरे जनपद की महिलाओं को ताकत मिली है। उम्मीद करती हूं कि नई अध्यक्ष जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। केराकत विधायक दिनेश चौधरी ने कहा कि इससे पहले के कार्यकाल में खास लोगों का ही काम होता था। विधान परिषद सदस्य ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि सम्मानित अध्यक्ष की तरफ से सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि सदन सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलेगा। विकास के लिए जो प्रतिबद्धता है उसमें किसी भी प्रकार का कोर कसर नहीं रखा जाएगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के समापन के बाद सभागार में ही अध्यक्ष श्री कला ने सदस्यों के साथ पहली बैठक की, जिसमें सदस्यों की कार्ययोजनाओं पर सहमति बनी। शपथ ग्रहण समारोह में टीडी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समर बहादुर सिंह, पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह, सिकरारा प्रमुख संजय सिंह, बक्सा प्रमुख मनोज यादव, जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव, बाघ सिंह चौहान, अमरेश रतन सिंह रंगीले, श्रुति कीर्ति सिंह, अंजना पांडे, अवधेश सरोज आदि मौजूद रहे। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला सिंह ने सोमवार को शपथ ग्रहण के साथ ही विधिवत पदभार ग्रहण किया। इसके तुरंत बाद हुई बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाबत उन्होंने बताया कि सदस्यों के प्रस्ताव पर पिछले कार्यकाल के वे प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए जिनका कार्यादेश जारी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि समुचित भागीदारी सभी जिला पंचायत सदस्यों की सुनिश्चित की जाएगी। के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करूंगी। जय हिंद। मैम एक मिनट दस्तखत करती हूँ। अध्यक्ष की शपथ आपने ले ली है, कार्यकाल को कैसे चलाएंगे, अपना कार्यकाल पीरियड जो है। अभी जो डेवलपमेंट जौनपुर के लिए जो चाहिए, सबसे मिलके मेरा मेंबर से सबसे मिलके और जात धर्म के ऊपर उठकर हम सब लोग विकास के लिए काम करेंगे। और जो भी समस्या है ज़रूर हम इसको 5 साल में पूरी करेंगे।
मैम कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जरूर सीट पर बैठती हैं लेकिन वो बतौर रबड़ स्टैम्प के रूप में यूज़ की जाती है, पर्दे के पीछे से कोई और नहीं। हम आई एम सॉरी, इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार ज़्यादा महिलाओं ने जीत गए और सब लोग एजुकेटेड है और ये सब पर्सनली हम मॉनिटर करेंगे कि हम लोग खुद काम करेंगे विद नो असिस्टेंस एंड ऑल दैट। जब आपने नामांकन किया तो आपके घर छापा पड़ा, फिर जब चुनाव में आप उतरी तो फिर आपके घर छापा पड़ा, आज आप शपथ ले रहे हैं, एक दिन पहले आपके घर पर नोटिस चस्पत की गई है, कैसे देख रहे हैं आप? कभी कभी ऐसा होता है कि जब जीत हो जाते हैं थोड़ा बहुत उसके ऊपर दबाव भी होता है और ये पहली से भी हमारा पति धनंजय सिंह को लेकर थोड़ा बहुत ओपोनेंट्स थोड़ा ज़्यादा ही यू नो ट्रबल करते हैं, सो यही उसमें एक पार्ट है बट नथिंग सीरियस। जिला पंचायत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।